हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लांट में कौन से मूवमेंट होते हैं जो कि ग्रोथ मूवमेंट है और कौन से मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट के बारे में पहले से बात हो चुकी है, उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। कि मूवमेंट प्लांट में मेनली टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको ट्रॉपिज्म कहा जाता है, एक नेस्टिक मूवमेंट होता है जिसको नेस्टीज कहा जाता है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो जनरली ग्रोथ मूवमेंट नहीं होते। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में एक जो फोटो नेस्टिक होता है जिसमें कि स्टिमुलस लाइट होता है, स्टिमुलस फोटो होता है, लाइट होता है, तो उसमें ग्रोथ, उसको आप ग्रोथ मूवमेंट कहेंगे, उसमें ग्रोथ होता है। जो फोटो नेस्टिक मूवमेंट होता है उसमें इस तरह से होता है कि बहुत सारे जो प्लांट आपने देखे होंगे जिनके फ्लावर मॉर्निंग में जब सनलाइट निकलती है तो उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, वो उनके पेटल्स ओपन हो जाते हैं और वो फ्लावर होते हैं, जो फूल होता है वो खिल जाता है। फिर शाम के टाइम जब लाइट थोड़ा डिम होती है, लाइट जो फेड हो जाती है, तो उसके बाद वो पेटल्स फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से फ्लावर्स देखे होंगे, या कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो शाम के टाइम में ओपन हो जाते हैं, सुबह जब ब्राइट लाइट होती है, चमकीली लाइट जब आती है, तो उसके बाद वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये फोटोनेस्टिक होते हैं। फोटोनेस्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन तय नहीं होता। जिसमें डायरेक्शन तय होता है वो फोटोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें डायरेक्शन तय नहीं होता वो फोटोनेस्टिक होते हैं। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट तो बिल्कुल वो ग्रोथ मूवमेंट है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन भी तय होता है कि इस साइड से अगर लाइट आ रही है और सीधे प्लांट जा रहा है तो आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उस टाइम में टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है, इस टाइम में ग्रोथ, इस साइड में ग्रोथ होता है, इस साइड में टर्न हो जाता है और इस साइड में ग्रोथ होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जिसमें ग्रोथ मूवमेंट है। ट्रॉपिज्म वाले जितने मूवमेंट हैं सब ग्रोथ मूवमेंट हैं, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो है उसमें जो फोटोनेस्टिक की बात हुई ये ग्रोथ मूवमेंट है। अगर आप थिग्मोनेस्टिक की बात करेंगे तो वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। थिग्मोनेस्टिक जैसे आप जो मिमोसा प्यूडिका है, टच मी नॉट छू मी जिसको कहते हैं, उसको आप टच करेंगे तो उसकी लीफ लटक जाती है, तो वो कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप फोटोनेस्टिक की बात करेंगे तो ये ग्रोथ मूवमेंट होता है। अपने फ्लावर को देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर होते हैं जब मॉर्निंग में सनलाइट निकलती है तो धीरे धीरे वो ओपन होने लगते हैं, उनके पेटल्स फैल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर शाम को जब फिर लाइट डिम हो जाती है तो फिर वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब ब्राइट लाइट मिलते ही वो ओपन होते हैं और लाइट डिम होती है तो क्लोज हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट भी आपने देखा होगा जो फ्लावर नाइट में खिलते हैं वो इस तरह से होते हैं कि नाइट में जब लाइट डिम होती है जब तो वो फिर ओपन हो जाते हैं, और सुबह जब ब्राइट लाइट सनलाइट पड़ती है तो वो क्लोज हो जाते हैं। एनीवे, दोनों ही केसेस में ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट होता है, ये फोटोनेस्टिस कहलाता है। तो ये ग्रोथ मूवमेंट होता है। इसमें जब पेटल्स ओपन होते हैं तो ये जो अंदर का सरफेस होता है, इनर सरफेस होता है पेटल का, इसमें ग्रोथ होता है। और जब ये पेटल्स क्लोज हो जाते हैं तब ये आउटर सरफेस में ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ मूवमेंट होता है, फोटोनेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट है। इसमें जब पेटल ओपन हुए तो जो इनर सरफेस है उसमें ग्रोथ हुआ, और जब पेटल क्लोज हो गए तो फिर क्या हुआ, आउटर सरफेस में ग्रोथ हुआ। तो जो इसमें आप नेस्टिक मूवमेंट में, आप थिग्मोनेस्टी तो नहीं लेकिन फोटोनेस्टी जो होता है उसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये ग्रोथ मूवमेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।